तूने हाथ का छोड़ा मेरे ऊपर, हाथ का छोड़ दूँगा दिल्ली पुलिस जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस होने का दावा करती है, खुद थाने में ही सुरक्षित नहीं है। एक वीडियो सामने आया है दिल्ली के आनंद विहार थाने का। इस थाने में प्रकाश नाम का एक कांस्टेबल पिटता हुआ नजर आ रहा है और लोग उसे लगातार मार रहे हैं। वीडियो में कई लोग नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, प्रकाश की ड्यूटी पीएम मोदी की सुरक्षा में लाल किले पर लगाई गई थी। हालांकि वीडियो में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कांस्टेबल का मेडिकल कराया जाए, इसने ड्रिंक की हुई है। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इस तरह से कांस्टेबल को मारना किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार इलाके के आनंद विहार पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर जिस तरह से एक पुलिसकर्मी को लगातार मारा जा रहा है, बहुत से लोग नजर आ रहे हैं जो लगातार मार रहे हैं और पिटने वाला कांस्टेबल प्रकाश है। हाल फिलहाल पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और वीडियो के आधार पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं जो प्रकाश को मार रहे हैं, उन सब की तलाश शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली पुलिस अपराधियों को पकड़ लेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस थाने में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर किसी और की सुरक्षा की क्या गारंटी ली जाए। ऐसा क्या हुआ कि थाने के अंदर घुसकर भीड़ ने पुलिसकर्मी को मारा और किसी और पुलिसकर्मी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही इन लोगों को रोकने की कोशिश की। जहां पुलिसकर्मी अपने ही सह पुलिसकर्मियों को बचाने में नाकाम हैं, वो सिविलियंस की किस तरह से रक्षा कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस राजधानी दिल्ली में पुलिस की ऐसी दुर्दशा है, वहां आम आदमी का क्या हाल होता होगा, ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है। हाल फिलहाल ये चौंकाने वाली वीडियो जब से सामने आई है, कई सवाल खड़े हो गए हैं पुलिस महकमे पे और खासकर उन पुलिस कर्मियों पर सवाल खड़े हुए हैं जो थाने में मौजूद थे जिस वक्त ये घटना उनकी आंखों के सामने हो रही थी। वो मूक दर्शक बने हुए क्यों बैठे हुए थे? ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कल को जनता के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो क्या गारंटी है कि वो उनकी रक्षा कर पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।